नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर के जिला मुख्यालय सभागार में मंगलवार को जिला के उपायुक्त की अध्यक्षता में नगर विकास विभाग के तहत किए जा रहे कार्यों की आयोजित की गई समीक्षात्मक बैठक। योजनाओं की कार्य प्रगति पर उपायुक्त ने अधीनस्थ पदाधिकारियों से किया जवाब तलब। 2019 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की तैयारियां। भाजपा के लोकसभा प्रभारी दीपक प्रकाश पहुंचे जमशेदपुर। जिले के सभी मंडल अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने की बैठक, दिया जरूरी दिशा निर्देश। कोल्हान में आंगनवाड़ी सेविकाएं फिर आंदोलन के मूड में। 1700 आंगनवाड़ी सेविकाओं ने सरकारी कर्मचारी घोषित करने एवं मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर उपायुक्त कार्यालय पर दिया एक दिवसीय धरना। सरकार से जल्द मांगे पूरा करने का किया आग्रह। स्वच्छता रैंकिंग में जमशेदपुर को टॉप 10 में लाने के लिए जमशेदपुर एक्सप्रेस की अब नई पहल। पिकनिक स्पॉटों पर जाकर किया जा रहा है लोगों को जागरूक, डाउनलोड करवाई जा रही है। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर स्थित जिला मुख्यालय सभागार में मंगलवार को जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में नगर विकास विभाग के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभाग के द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए। बता दें कि जमशेदपुर शहर में नगर विकास विभाग के तहत मोहरदा जलापूर्ति योजना, दो मुहानी पार्क, बहुदेशीय भवन, प्रधानमंत्री आवास योजना तथा स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के लिए विकास कार्य किए जा रहे हैं। इन सभी को तय समय सीमा के भीतर पूरा करना है। खासकर जलापूर्ति योजना के तहत लाखों घरों में पानी पहुंचाया जाना है और ये योजना पूर्व से ही क्रियान्वित है, जिसे समय पर पूरा किया जाना है। जिले के उपायुक्त ने कहा कि सभी योजनाओं की वस्तु स्थिति पर यहाँ चर्चा की गई, साथ ही सभी कार्य समय पर पूरा हो जाए इसके दिशा निर्देश संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को दिया गया। आज जो है वो मुख्य रूप से नगर विकास विभाग के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा जो है वो की गई है, और इसमें जमशेदपुर के नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए, खासतौर पे जो नगरीय जलापूर्ति योजना है उसकी स्थिति, दो मुहान पार्क की स्थिति, मल्टी कन्वेंशनल हॉल जो बनने हैं उनके प्रगति के संदर्भ में समीक्षा की गई है, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ सर्वेक्षण 2019, तमाम वो योजनाएं जो नगरीय क्षेत्रों में बेहतर सुविधा देने के लिए जरूर चलाई जा रही है उसकी समीक्षा की गई है। और उसी के संदर्भ पे अभी फील्ड विजिट भी हम लोगों ने प्लान किया है कि कैसे बागुनहातू बिरसा नगर जो जलापूर्ति योजना है उसकी प्रगति की क्या स्थिति है, जो पुष्ट आश्रम के पास जो भवन बन रहे हैं उनकी प्रगति की समीक्षा, ओवरऑल जिला में जो विकास योजनाएं चली जा रही हैं और खासतौर पर नगर विकास विभाग की, उनकी समीक्षा जो है वो आज। 2019 का चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक पार्टी चुनावी तैयारियों में जुट गई है। वैसे भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी तैयारियां काफी जोर शोर से शुरू कर दी है। उधर भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रभारी दीपक प्रकाश शहर पहुंचे, जहां जिले के सभी मंडल अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की। बैठक में मिशन 2019 को फतह कैसे करें इसको लेकर रणनीति बनाई गई। बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को कैसे मजबूत करें इसको लेकर भी कार्यकर्ताओं को टिप्स दिया गया। आपको बता दें कि 2019 में लोकसभा और झारखंड विधानसभा का चुनाव होना है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर तक अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। झारखंड के 14 लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते, 14 स्थानों पर कमल खिले, और फिर से इस बार प्रधानमंत्री के रूप में झारखंड की जनता, देश की जनता के मन में जो इच्छा है कि पुनः नरेंद्र मोदी को हम प्रधानमंत्री के रूप में देखें, इसके लिए पार्टी की ओर से संगठनात्मक बैठक, संगठन के बूथ मंडल के को हम कैसे और धारदार बनाएं, कार्यक्रमों की रचना और कैसे बेहतर हो, केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियाँ को जनमानस तक और तेजी से कैसे फैलाएं, इसके लिए संगठनात्मक बैठक है। और साथ ही साथ जिस प्रकार से विपक्ष की नकारात्मक राजनीति है और जिस प्रकार से दिशाविहीन राजनीति की वो
अपने राजनीति का वो मुख्य उद्देश्य बनाए हुए हैं उसके खिलाफ भी हम कार्यकर्ताओं को बैठ करके विचार विमर्श करने वाले हैं। कोल्हान की आंगनवाड़ी सेविकाएं एक बार फिर आंदोलन के मूड में नजर आ रही है। 1700 आंगनवाड़ी सेविकाओं ने सरकारी कर्मचारी घोषित करने एवं मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर जमशेदपुर के उपायुक्त कार्यालय पर एक दिवसीय धरना दिया, साथ ही प्रदर्शन भी किया। सरकार से अपनी मांगों को जल्द पूरा करने का उन्होंने आग्रह किया है। आंगनवाड़ी सेविकाएं एक मांग पत्र उपायुक्त के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री रघुबर दास को सौंपा। आंगनवाड़ी सेविका संघ के जिला संयोजक ने कहा कि रघुबर भैया हमारी मांगों को जल्द पूरा करें ताकि हमें भी सरकारी कर्मचारी कहा जा सके। साथ ही जिस प्रकार अन्य राज्यों में सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं का मानदेय निर्धारित है उसे यहाँ भी लागू करते हुए मानदेय 4000 से 18000 किया जाए। अंत में उन्होंने कहा कि मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सभी चले जाएंगे। 2017 में ये जो झारखंड प्रदेश की आंगनवाड़ी बहनें दिन रात सीएम के घर के सामने ये लोग बैठकर धरना दिए थे। सीएम इनको बुलाकर 13 सूत्री मांगों पर एग्री हुए थे कि हम ये आपकी करेंगे, लेकिन वो आज तक भी एक ही भी डिमांड उनका फिलअप नहीं हो पाया है। इसलिए पूरा झारखंड प्रदेश में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से हम लोग कलेक्टर के जरिए डिमांड पेपर सीएम को भेज रहे हैं कि आपने जो हमें वादा किया था वो वादा आपको पूर्ण करना है। अब ये कि दिसंबर तक आपने समय लिया था, अगर दिसंबर से के तक वो नहीं करेंगे तो जनवरी से फिर से इन लोगों का आंदोलन जारी रहेगी और आगे बढ़ेगी। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एएमजी न्यूज के साथ। बेटी घर की लक्ष्मी, सपने करे साकार। सुकन्या समृद्धि योजना, लाभ ले जब परिवार। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए शुरू की गई एक विशेष योजना है जिसका मकसद है बेटियों की उच्च शिक्षा और शादी में आने वाले आर्थिक संकटों से निजात दिलाना। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपने बेटियों के नाम एक खाता खुलवाकर उसमें एक निश्चित राशि 14 वर्षों तक जमा करानी है, जिस पर आपको मिलता है 9.2% का ब्याज। इतना ही नहीं, इस योजना से मिलने वाली राशि पूरी तरह से कर मुक्त है। बेटियां बेटों से कम नहीं, बेटियां समृद्धि की प्रतीक हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें। सामाजिक सुरक्षा का हुआ विस्तार, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और अटल पेंशन योजनाएं लेकर आई सरकार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर पाएं 2 लाख का दुर्घटना बीमा। 18 से 70 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोगों को मिलेगा इसका लाभ। वहीं 330 रुपए की वार्षिक प्रीमियम पर जीवन ज्योति योजना का लाभ उठाएं। इस योजना में भी होगा 2 लाख का बीमा। 18 से 50 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोग बीमा कराएं। अटल पेंशन योजना में है खास बात, जब आप होंगे 60 साल के तो निर्धारित जमा राशि में से मिलने लगेगी पेंशन। उम्र की सीमा है 18 से 40 वर्ष तक।
ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। स्वच्छता रैंकिंग में जमशेदपुर शहर को टॉप 10 में लाने के लिए जमशेदपुर अक्षेस ने कमर कस लिया है, जहां अक्षेस पदाधिकारियों द्वारा अनोखा पहल किया जा रहा है। नए साल में पिकनिक मनाने आए लोगों को विभिन्न पार्कों में जाकर अक्षेस के अधिकारी जागरूक करते नजर आ रहे हैं। इनके द्वारा लोगों को स्वच्छता ऐप डाउनलोड करवाया जा रहा है, जिससे लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हो सके और जमशेदपुर शहर रैंकिंग में टॉप 10 में आ सके। वहीं जमशेदपुर अक्षेस की ओर से पिकनिक मनाने आए लोगों को स्वच्छता ऐप डाउनलोड करवाकर बच्चों के बीच क्रिसमस ट्री बांटा जा रहा है। स्वच्छता ऐप डाउनलोड करने के बाद जहां गंदगी दिखेगी उसे 12 घंटे के भीतर साफ कर दिया जाएगा। आज हम लोग जुबली पार्क में आने वाला 1 जनवरी और क्रिसमस जो आने वाले दिनों के लिए बड़ा त्यौहार है, साथ में हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है स्वच्छता का त्यौहार जो 4 जनवरी से शुरू होने वाला है, उसको लेकर आज हम लोग एक बृहद कार्यक्रम किए हैं जुबली पार्क में, जहां लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है और इस भीड़ में हम लोग लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रहे हैं। लोगों को ये बता रहे हैं कि किस तरह से जमशेदपुर को साफ रखना है, उसके लिए क्या मैकेनिज्म है वो भी हम लोग बता रहे हैं, कैसे डोर टू डोर कचरा उठाया जाता है और कैसे गीला और सूखा कचरा को लोग अलग करके घरों से लेकर डस्टबिन से लेकर के हमारी गाड़ी में और डंप तक हम लोग पहुँचाते हैं, ये सारी चीज़ों की जानकारी दे रहे हैं। साथ में हम लोग स्वच्छता ऐप डाउनलोड करा रहे हैं ताकि शहर की रैंकिंग जो है, जो भारत सरकार का जो मापदंड है वो उस रैंकिंग को अपग्रेड करे। हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री, झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लगातार ये संदेश दिया जा रहा है कि स्वच्छता के प्रति लोग जागरूक हो, शहर गली मोहल्ला को साफ रखे ताकि हमारा देश, हमारा हिंदुस्तान जो है एकदम अन्य देश के शहरों की तरह खड़ा उतरे। कोल्हान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल एक बार फिर मानवता को शर्मसार कर दिया है। एक मरीज पिछले 1 सप्ताह से अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इलाजरत है, लेकिन अस्पताल के कर्मचारियों ने इस मरीज को अस्पताल से बाहर फेंक दिया और खुले आसमान के नीचे जमीन पर यह मरीज तड़पता दिख रहा है। उधर मरीज के परिजन डॉक्टरों से और अस्पताल के कर्मचारियों से इलाज के लिए विनती करते नजर आ रहे हैं, लेकिन ना डॉक्टर को दया आई और ना ही कर्मचारियों को। वैसे इस अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारियों की मानवता मर चुकी है और उसका ये जीता जागता नमूना अस्पताल के बाहर जमीन पर पड़ा ये मरीज है। जबकि डॉक्टर को लोग भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन यहाँ तो शैतान का रूप देखने को मिल रहा है। वैसे इस मामले में जब हमने अस्पताल के अधीक्षक से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात करने से ही इनकार कर दिया। अब बेटा है, अभी तो वही जुंडिस पकड़ा है और पानी उनी चढ़ा रहा है, वही हम लेके आए ना, ये जिदियाने लगा कि हमको बाहर धूप में ले चलो, बस लाए उधर बेड दूसरे के दिन, 5 नंबर बेड था, बोला कि अभी 2 बोतल पानी चढ़ा के उसके बाद बेड ले लीजिए। अब बेड नहीं दे रहा है वो लोग, बोलता है दूसरा बेड में चल जाओ, तो दूसरा बेड में जाएंगे तो मेरा डॉक्टर फिर कौन देखेगा। अब एगो लड़का को दे दिया पानी चढ़ रहा है। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए AMG न्यूज के साथ। मेरी पढ़ाई और शादी की चिंता छोड़ो, क्योंकि हमारी पढ़ाई और शादी की फिक्र रघुवर सरकार की कई योजनाओं ने दूर कर दी है। और अब रही तुम्हारी बात, कुछ पता है सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है? क्या किया है सरकार ने? सरकार ने फसल बीमा योजना शुरू की है। फसल बीमा योजना? हाँ, फसल बीमा योजना। इसमें रवि की फसल पर मात्र 1.5%, खरीफ पर 2%, बागवानी पर 5% और तिलहन पर 1.5% तक की प्रीमियम दो और बाकी की राशि राज्य व केंद्र सरकार देगी। और हाँ, एक बात ध्यान रखें, यह सभी किसानों के लिए, चाहे वो बटाई पर खेती करता हो या उनका खुद का खेती का कारोबार हो। हम करेंगे खेती, लाभ लेंगे फसल बीमा का। जब सरकार है हमारे साथ तो फिर क्या कष्ट जिंदगी का। अरे गौरी, जल्दी करो। आई बाबा, आई। पापा। बेटा। ठीक से रहना। हाँ, बाय। मेरे मम्मी पापा जब भी बाइक से बाहर जाते हैं वो दोनों हेलमेट जरूर लगाते हैं, क्या आप भी ऐसा करते हैं? अगर नहीं तो आज से ही हेलमेट पहने, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके अपनों के लिए अनमोल है।
ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर में कोल्हान विश्वविद्यालय के शाखा कार्यालय में विभिन्न छात्र संगठनों के द्वारा पार्ट टू के छात्रों को प्रमोट करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया, जहां छात्र कोल्हान विश्वविद्यालय के विरुद्ध नारेबाजी करते नजर आए। साक्ची स्थित कोल्हान विश्वविद्यालय के शाखा कार्यालय में कोऑपरेटिव कॉलेज के विभिन्न छात्र संगठनों द्वारा प्रदर्शन कर मांग पत्र कुलपति के नाम सौंपा गया। इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए छात्र नेता ने कहा कि कोल्हान विश्वविद्यालय के द्वारा पार्ट वन के छात्रों को प्रमोट किया गया है, जहां विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रक्रिया में छात्रों के एक साल को बचाने की बात कही गई थी। वहीं हम छात्र संगठनों के द्वारा कोल्हान विश्वविद्यालय से पार्ट टू के छात्रों को भी प्रमोट करने की मांग कर रहे हैं, ताकि छात्रों के साथ भेदभाव नहीं हो। वहीं अगर हमारी मांगों पर विश्वविद्यालय के द्वारा किसी भी तरह की पहल नहीं की जाती है, तो छात्र अपने साथियों के भविष्य को लेकर उग्र आंदोलन करेंगे। पूर्व में जिस प्रकार कोल्हान विश्वविद्यालय ने पार्ट वन से पार्ट टू में विद्यार्थियों प्रमोट करके उनका एक साल बचाया था, हमारी मांग वही है। जिस प्रकार आपने एक साल पूर्व जो कदम उठाया था, वही कदम उठाते हुए इस बार भी आप पार्ट टू के विद्यार्थी जो जनरल में कुछ अंक से रुक गए हैं, उन्हें प्रमोट करके पार्ट थर्ड में भेज दिया जाए और उनका एक साल बचाया जाए। क्योंकि इस बार परीक्षा में भी बहुत सारी अनियमितता सामने आई है और भी कारण है, तो इसलिए यह होना बहुत ही आवश्यक है। और बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें इनका लाभ मिलेगा, और क्योंकि यह फैसला पूर्व में खुद कोल्हान विश्वविद्यालय की कुलपति द्वारा लिया गया था, तो हमें उम्मीद है कि इस बार भी वो इस पर लागू करेगी। मांगे पूरी होनी आवश्यक है। अगर पूरी नहीं होती है तो हम लोग इस पर आंदोलन जारी रखेंगे। पूर्वी सिंहभूम जिले के प्रखंड इलाके में हो रहे पंचायत उपचुनाव के लिए आखिरी तारीख तक कुल 51 सीटों के लिए प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दर्ज कराया था, जिसमें 46 सीटों पर चुनाव से पूर्वी प्रत्याशी निर्विरोध जीत गए। प्रखंड इलाके में कुल 51 पंचायत सीटों के लिए उपचुनाव होने थे और इसके लिए सभी ने अपना नामांकन दाखिल किया था। स्क्रूटिनी के बाद मंगलवार को इन 51 सीटों में से 46 सीटों पर प्रत्याशियों ने निर्विरोध जीत दर्ज की और बाकी सीटों पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह मंगलवार को आवंटित किया गया। निर्विरोध जीत दर्ज करने के बाद आरओ के द्वारा इन्हें सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। वहीं इनके द्वारा जीत की खुशी एक दूसरे को मिठाई खिलाकर तथा गुलाल लगाकर मनाई गई, जिसमें कुल हमारे 161 रिक्तियां थी, उसमें से 51 लोगों ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया। 51 में से सिर्फ एक सीट जो है वहाँ पे हमारे चुनाव हो रहा है, जहाँ पे ममता जी और लखिंदर जी, वो हम लोगों को सिंबल अलॉटमेंट आज हमारे करना था, वो हम लोगों ने कर दिया। और बाकी जो मेरे 46 जो रेस्ट पर जाते हैं, वो जो हमारे निर्दलीय निर्विरोध चुने गए, तो निर्विरोध लोगों को आज हम लोगों ने सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किया है, लोग काफी खुश हैं। खबरों में वक्त तो चला है, छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एएमजी न्यूज के साथ। अरे यार, लंच का टाइम हो गया, काम ही करते रहोगे क्या? यार एक बात बताऊं, अभी अभी एक SMS आया है जिसमें मुझे 1,00,000 रुपए का इनाम मिला है। तुम्हें शायद मालूम नहीं, आजकल हर दूसरे आदमी के पास ऐसे SMS या फोन कॉल्स आ रहे हैं जिसमें पैसों का लालच देकर उनसे उनका ATM पिन नंबर और ATM कार्ड नंबर मांगा जा रहा है। कहीं तुमसे भी ATM का पिन नंबर और ATM का कार्ड नंबर तो नहीं मांगा? मांगा है ना यार। भूल के भी मत भेजना, वरना सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट से मिनटों में उड़ा लिए जाएंगे। ऐसा? अगर आपसे भी कोई टेलीफोन, SMS या ईमेल द्वारा आपका अकाउंट नंबर, आपके ATM का पिन नंबर या ईमेल एड्रेस वगैरह किसी तरह की कोई भी जानकारी मांगे, तो उसे बिल्कुल ना दें, वरना आप भी ठगे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अनूठी पहल का दिखेगा असर, विकास की धारा बहेगी खेतों खलिहानों में, चौपालों पे बैठेगी सरकार, होगा ग्रामीणों का जुटान, गांवों की सुनेंगे, लेंगे सबके सुझाव,
सबकी सहमति से ही होगा सबका विकास। हरियाली की चादर पर लिखेंगे झारखंड का इतिहास। राज्य की बेहतरी के लिए सरकार ने लगाया जोर, सरकार चली गांव की ओर। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपनी लाडलियों का भविष्य संवारें। 1 से 10 वर्ष की उम्र तक खाते खुलवाने की मिली है छूट। देर न करें, खाते खुलवाने के लिए बैंकों और डाकघरों में पधारें। 18वें वर्ष में आपकी लाडली को मिलेगी आधी राशि निकालने की छूट। याद रखें, सरकार जमा राशि पर देगी आयकर की छूट। झारखंड के बेटियों का भविष्य बनाना है, सबको मिलजुल कर उसे आगे बढ़ाना। कोमल हाथों को समृद्धि की ताकत, सुकन्या समृद्धि योजना। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर के जोगसलई यातायात थाना में आजसू पार्टी के द्वारा प्रदर्शन किया गया। इससे पूर्व एक रैली क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि द्वारा निकाली गई, जो थाने में पहुंचकर प्रदर्शन में तब्दील हो गई। इस दौरान इन्होंने 7 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। विधायक प्रतिनिधि ने इस दौरान थाना प्रभारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके द्वारा केवल थाने के बाहर हेलमेट चेकिंग के नाम पर पैसों की उगाही की जाती है और जनहित के कार्य पर वे ध्यान नहीं देते। इन्होंने कहा कि जुगसलय के नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत भारी वाहनों के प्रवेश वर्जित होने के बावजूद यहाँ बड़े वाहनों को प्रवेश कराया जाता है, जिस कारण सड़क के किनारे बने नाले टूट जाते हैं और नाले का गंदा पानी सड़कों पर बहने लगता है। वहीं सड़क किनारे बड़े वाहनों की अवैध पार्किंग करवाई जा रही है, लेकिन इस पर भी यातायात थाना ध्यान नहीं देती, जिस कारण यहां जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इन्होंने कहा कि थाना प्रभारी इस पर त्वरित कार्रवाई करे, अन्यथा इनके द्वारा आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। जो समस्या है वो समस्याओं को लेकर कभी भी धरातल पे नहीं गए हैं, ना कभी फील्ड में घूमे हैं, क्योंकि सिर्फ यहाँ हेलमेट चेकिंग के नाम पर दिन भर बैठे रहते हैं और कुछ उनके सिवा उनके काम नहीं है। हम लोग 7 सूत्री जो मांग है उसमें नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत जो रात को 10 बजे के बाद भारी वाहनों का जो परिचालन होता है, उससे छोटे छोटे जो हमारे सड़क है, नाली है, वो बुरी तरह से एकदम बेजहाल से टूट जाते हैं और वहाँ चलना मुश्किल हो जाता है। हम लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उसको तत्कालीन बंद कराया जाए। उसके बाद जुगसलाई नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत जो अपना ट्रांसपोर्टर है, जितने भी ट्रांसपोर्टर, हमें कोई ट्रांसपोर्टर से आपत्ति नहीं है, लेकिन वो रास्ता में बीच सड़क पर रख कर बड़ी बड़ी वाहनों को रख कर वहाँ पर अनलोडिंग लोडिंग का काम करते हैं, जिससे वहाँ से आने वाले जितने भी जनता है उन्हें आगमन में बहुत दिक्कत होती है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि अविलंब वो गाड़ी को हटाया जाए और आने जाने सुविधा मिलना चाहिए जनता को। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।